दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कौन होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चैंपियन? मिल गया है सबसे बड़ा सवाल का जवाब। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू वेट ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की भविष्यवाणी करते हुए जो बयान दिया है, उनकी बातें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर मैथ्यू वेट ने किसे बताया है इस सीरीज का विजेता और अपने बयान में कौन सी चौंकाने वाली बातें कही है, उन्होंने सब कुछ हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बहुत जल्द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का बिगुल बजने को तैयार है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच रेड बॉल के क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का क्वालिफिकेशन इसी सीरीज के ऊपर टिका हुआ है। लगातार दूसरा फाइनल खेलने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपने घर पर बादशाहत को कायम रखने की चुनौती होगी, जबकि दूसरी तरफ कंगारू अपने घर पर मिली हार का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। दोस्तों, इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत को टक्कर देने के लिए कई स्पेशल तैयारियां करके आ रहा है। उन्होंने भारत आने से पहले सिडनी शहर में स्पिन खेलने की खास तैयारी भी की है और एक मजबूत साइड के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए हर दांव पेच आजमाने को तैयार है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम बेंगलुरु में भारतीय टीम को परास्त करने की रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने एक खास तरह की पिच भी तैयार है, जिसमें वो स्पिन गेंदबाजों से निपटने के लिए जमकर कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार हिंदुस्तान को पटखनी देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और 9 फरवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में हमें टेस्ट की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही शुरू हो चुका है भविष्यवाणी और प्रेडिक्शंस का सिलसिला। क्रिकेट जगत से लेकर क्रिकेट फैंस ने कई अलग अलग तरह की भविष्यवाणी कर इस सीरीज का रोमांच और भी अधिक बढ़ा दिया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप का चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैथ्यू वेट ने भी इस डिबेट को ज्वाइन करते हुए एक बेहद ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। जी हां दोस्तों, वेट ने अपने बयान में बताया कि उनका मानना है कि हिंदुस्तान को भारत में हराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाम हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि वेट ने ये भी कहा कि ये नामुमकिन नहीं है, भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में बिखर जाती है, ऐसा हमने कई बार देखा है। यदि ऑस्ट्रेलिया शुरुआत से भारत पर दबाव बनाती है तो वो भारत को हरा सकती है। केवल इतना ही नहीं, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया कम से कम 3 मैच जीतने का मादा रखती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत मजबूत है और वो इस बार इतिहास रच सकते हैं। तो दोस्तों, वेट की भविष्यवाणी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच को अपने नाम करेगी या फिर नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।